महाराज के दर्शन करने आए हैं और आशीर्वाद लेने हैं। साड़ी फिल्म जिहड़ी 1 मार्च को रिलीज़ होने वाली है, पंजाबी की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म जिहदे च हसावांगे भी डरावांगे भी। भू मैं डर गई, मैनू भी बड़ा मज़ा आया रोल करके। थोड़ा है तो कॉमेडी है, जोगराज जी दे नाल नोक चोक है काफ़ी ज़्यादा। एक जंगल च भी असीं फस जाने, सानू राह रस्ते नहीं लभदे, तो वह बड़िया चीज़ा ने। पहली पंजाबी होरर मूवी बू मैं डर गई दी स्टार कास्ट सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होने पहुंची। इस मौके उन्होंने गुरु घर मत्था टेकिया, वाहेगुरु जी का शुकराना अदा किया, सरबत के भले की अरदास की। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदे हुए फिल्मी अदाकार रोशन प्रिंस, योगराज सिंह, अनीता देवगन और निशा बनू ने कहा कि साड़ी पहली पंजाबी होरर फिल्म बू मैं डर गई 1 मार्च को सिनेमाघरों के रिलीज़ हो जा रही है, जिसकी चढ़ती कला की अरदास करने लिए अज असी गुरु घर के नतमस्तक हुए हैं। तो नाल ही उन्होंने कहा कि ज़्यादातर इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के जिला मोहाली और मलेरकोटला की गई है, जिसके चलदे अज असी गुरु घर के आए हैं और इतने आके मन में बहुत ही सुकून और शांति मिलती है। अज महाराज के दर्शन करने आए हैं और आशीर्वाद लेने हैं। साड़ी फिल्म जी 1 मार्च को रिलीज़ होने वाली है, पंजाबी की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म जिहदे च हसावांगे भी डरावांगे भी। भू मैं डर गई उहदे वास्ते आशीर्वाद लेने कि चढ़दी कला दे विच सारी टीम दा रहे और फिल्म चले, सारे नूं पसंद आवे। यही है जी कि मालक सब नूं चढ़दी कला दे विच रखण और जो भी आ मंगां साडियां सरकार वास्ते, सरकार लई और साडियां सारियां पूरियां होण, तो जल्दी तो जल्दी संघर्ष खत्म होवे और सारे सुखी सभी आपो अपने घर आना चाहिए। ये मैनू भी बड़ा मज़ा आया रोल करके। थोड़ा है तो कॉमेडी है, जोगराज जी दे नाल नोक चोक है काफ़ी ज़्यादा, और फिर भूतां जिहां दा भी सिलसिला शुरू हो जाता। एक जंगल च भी असीं फस जाने, सानू राह रस्ते नहीं लभदे, तो वह बड़िया चीज़ा ने जिहड़ियां मज़ेदार ने। असीं कम करदे हां, बड़ा इंजॉय किया, तो मैनू लगता है कि तुसीं भी सारे जने बहुत पसंद करोगे। ये है तो बेसिकली क्योंकि मैं करैक्टर आर्टिस्ट हाँ, तो किसी की माँ बनूंगी, किसी की पत्नी बनूंगी, है ना। सुखी चाल जी तो ओपोजिट है, मैं उन्हों की मदर का रोल हैगा, तो रोशन की मदर का, सुखी चाल जी की वाइफ का और रोशन की मदर का रोल हैगा। और यहो जी घटनावान वापर दियाँ कि असं अजीब जो फंडे फस जाने सारे पिंड वाले, फिर रल के उन्होंने निकलते हैं, तो उत्थे बहुत कमेडी हैगी, सारे सीकुएंस जड़े ने बड़े कॉमिक ने। बिल्कुल जी, देखो ऑलवेज जो भी कोई फिल्म आँदी है या साडा कोई भी चंगा काम हुंदा, असी इत्थे आके मत्था टेकदे आ, बाबा जी दे दरबार दे विच हमेशा हाजिरी लवाउणे आ, है ना। तो हुण साडी फिल्म आ रही है, तो साडा फर्ज बनदा कि असी चंगी थां तो अपनी फिल्म की शुरुआत करिए, तो असी अपनी जिहड़ी मेरा जिहड़ा फस्ट डे आ, अज फस्ट डे आ, तो मैं दरबार साहब तो प्रमोशन शुरू कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता ऑलवेज़ जो भी आई दा, तो मैं अज ही अनीता मैम कह रहे थे, कहते भी जो तू दोबारा आएंगी ना, कहते मैं तेन उस टाइम लैके आना भी रात के 2 बजे, तो मैं पक्का हूँ प्लैन बना लिया कि जो मैं आना, तो उदो मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग इतने आना चाहनी हाँ, तो बैठना चाहनी हाँ इतने। देखो पिक्चर दे विच बहुत सारिया चीज़ा ने, कॉमेडी मूवी है, बहुत सारे वधिया वधिया आर्टिस्ट ने जिहड़े काम कर रहे इस फिल्म दे विच, ते अलग तरह का कॉन्सैप्ट है जिहदे विच हॉरर भी आ ते फनी भी आ, ते सारिया चीज़ों का मिक्स थोनू जिहड़ा है पैकेज इस फिल्म दे विच वेखण नू मिलूगा। इस फिल्म की मोहाली चंडीगढ़ के नेड़े तेड़े ते मलेरकोटला। योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मर के जो इतने आना तो ज्योदे जी, अजी तो चंगा तो घर ही है, यही घर है असली, जिहड़ा तुसीं सवाल पुछिया, यही बापू ने, यही वड वडेरे ने, यही शहीद सिंह ने, बाबा दीप सिंह जी बापू जी मेरे। तो मैं तो इस दर का भाई कुकर हाँ, कुत्ता, तो इन्नी जोगा बस रब मैनू बना दे, जे मरा तो तेरे चरना चाहिए, बस इन्नी कृपा हुक्म करो। पहला तो बाई जी गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि पंजाबी की सेवा करन दा मौका मिलया, और सारा पंजाब, सारा देश, सारा मैनू बड़ा हम प्यारा है। हरेक बंदे ड्यूटी लगी है, तो मेरा ख्याल मेरी ड्यूटी लगी है भी फिल्मों के विचों दी आपां अपनी पंजाबीयत नूं कायम करना। मैं कोशिश कर रहा 52-53 साल तो, लेकिन तरह तरह दी फिल्मां बनियां जी। इस फिल्म के जी सब तो वड्डी गल है, वैसे लोग हस भी पेंदे, पर तुहाडे लई भी बड़ी कमाल की गल होगी भी चार पंजाबी कट्ठे बह के राजी नहीं होंदे, तो जो 52 कलाकार पंजाब दे कट्ठे काम कर रहे, कमाल है, बड़ा वड्डा अजूबा है मेरे लिए। लेकिन इन्ने सारे कट्ठे हो के
इन्हों ने जिहड़ा एक दूजे का साथ दिता है, प्रोड्यूसर का साथ दिता है, इस फिल्म में एक मुकाम पर लेके गए, बड़ी तकलीफा इस फिल्म के विच आईयां, गुरु महाराज ने कृपा की तुहाडे अरगे सज्जना ने कृपा की, तो फिल्म जिहड़ी है इह सिरे चढ़ी, तो प्रोड्यूसर बड़े ही नफीस बंदे, बड़े चंगे बंदे है। सो इस गल की बड़ी खुशी है भी सारे ने इकट्ठे होकर इस फिल्म में उभारिया, तो इस फिल्म के मेरा मैं कहने का मतलब भी हम आप इतने आए सुकून बड़ा आप, तो फिल्म भी आप देखी तो अपन सुकून हो, आप हसीए खेडिए हसना खेडना मनका चाओ, तो इस फिल्म के हादसा खेडा तो हैगा ही हैगा, पर एक बड़ा अच्छा कॉन्टेंट है लाइफ के जिदा हॉरर कॉमेडी पहली बार आई है। सो मैं समझता कि साडा फर्ज बनता सारा दे, असी जिनी कौम है जिन्हें अपने लोग ने उन्होंने एंटरटेन कर सकी, हसा सकी, उन्होंने दो घड़ी दो घंटे वास्ते दुख दूर कर सकी, प्रेशर दूर कर सकी, मेरा तो यही मकसद रहता है जी। सारे देश ने बड़ा साथ दिता जी, तुसी मुआज़िब प्रेस वाले ने बड़ा साथ दिता, सारे देश के किसानों का सवाल है, कोई कल किसी एक पंजाब का सवाल नहीं, किसी यूपी का सवाल नहीं, सारे देश जिहड़े वास्ते किसान है, किसान खेती करता है, किसान अनाज दिता तो बिल्डिंगा तो अनाज उगते नहीं, तो जे भुखे मरना है तो तुम किसानों लौंद दौ, तो जे जीना सह लेने गुरु को जाके दर्शन देने वो कचहरी से खड़े होना, तो फिर किसानों के साथ मैं पहला भी खड़ा सी, अज भी खड़ा, तो शहीद भी हो जा मर भी जावा तो भी किसानों के पंजाब की धरती के नाल रहना, कल पंजाब की गल नहीं सारे हिंदुस्तान की गल है। मैं बड़ी बारी एक गल कही है, देश साडा किसी के बाप का नहीं, किसी ने रजिस्टरी नहीं कराई, कराई है हैगी ना, हिंदुस्तान एडा वड्डा विशाल देश, सारे आप इकट्ठे सारे धर्म वाले सारे वर्ग वाले बंदे आप इकट्ठे रहने हैं, एक नूर ते समझ गुपजिया कौन भले को मंदे, एक राजा गद्दी ते बैठ के यहोजा होना चाहिए कि पुंजे बह के आखे भाई तू रोटी खाधी है तो मेरे ढिड च पा देनी तो मैं नहीं रोटी खानी। अज मैनू एक गल बड़ी चंगी लगी, बाकी तो रब जानदा, सवेरे सवेरे एक वीडियो आई मेरे को भगवंत मान जी की, बड़ा चंगा लग गया, बड़ा ठोक के उन्होंने गल कही कि मैं जो कुर्सियों में लत मारदा भावा फलाना धमका जो मैं पंजाब के लोगों ना खड़ा पंजाब वासियों ना खड़ा, बड़ा चंगा लग्या। कैरो साहब तो बाद प्रताप सिंह कैरो तो बाद मैनू कोई पहला ऐसा सीएम ने स्टेटमेंट दिती है, बाकी खुदा जानता गुरु घर जानता, तो लेकिन चंगा लग्या। और मैं समझता सारे किसानों के नाल खड़ना चाहिए, कोई अपना तो सवाल नहीं है, सारे देश का सवाल है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी बारी कहा है कि तपो राज राजो नरक नहीं होना चाहिए, तपो राज राजो फकीरी होनी चाहिए है, तो आप अपने घर जी बॉर्डर बनावे, अगर हिंदुस्तान की वंड घट हुई है, आप पाकिस्तान बनाता गोरे बना के चले गए, आप अपने भाइयों अलग करता, किड्डा वड्डा हिंदुस्तान देश तिब्बत तक वह आप अलग करता, हूँ आप यह बॉर्डर बना के तो आप दिग दूजे दिलों से फर्क पाना, ये फर्क नहीं पैना। इस देश के कदे भी डिक्टेटरशिप ते छितरा ना काम नहीं चलना, इत्थे चलना काम प्यार नाल सत्कार नाल भाईचारे नाल। मैं तो कहना भी सारे बंदे एक वड्डा सारा बाटा भर लो ते एक एक गिलास खून का सारे पाओ ते विच दईए मिला ते फिर मैनू दसे भाई ये खून की दा इन्नी गल। चढ़दे कला टाइम टीवी लई अमृतसर तो बबलू महाजन की विशेष रिपोर्ट।